अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। मेरे पास है एक इलेक्ट्रिक एयर पंप, तो आज हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, देखते हैं अंदर में क्या क्या है। तो विनटेक का मेरे पास है एयर पंप, आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा लाइट आ रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, जिससे हम कहीं भी ट्रैवल करते, कहीं भी मतलब बाइक से सफर करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अगर पंचर हो गया या हवा निकल गया हो तो हम इससे वहीं पर तुरंत इजिली मतलब टायर में हम भर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, देखते हैं अंदर में क्या क्या है। मैं इसको खोल लेता हूँ, तो देख सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर में ही दिख रहे हैं, ये केबल है, यही इसका पावर केबल है। तो चलिए हम पहले इसको साइड में रखते हैं, बाद में बताऊंगा उसके बारे में। दूसरा केबल एक और दिख रहा है, ये भी इसका पावर केबल ही है, और इस पर देख सकते हैं कि कुछ हमारे पास बिल है, तो हम ये सबको साइड में रखते हैं। इसे पूरा यूज करने का प्रोसेस बताया गया है, तो हम इसको भी साइड में रखते हैं। और तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं, क्या क्या है अंदर, जिसमें देख सकते हैं एक और कुछ यहाँ लगा हुआ है, तो हम उसको निकाल कर देखते हैं कैसे निकलेगा भाई। ये रहा, तो ये है, इसे आज आप फुटबॉल में मतलब हवा भर सकते हैं, फुटबॉल के लिए है, ये बैलून के लिए है, बैलून फुलाने का भी काम आता है ये। तो ये दोनों को पहले साइड में रखते हैं, अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका पावर केबल यहाँ एक लगता है, और हम इसे निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए, ये हम इसको यहाँ गाड़ी में फिट कर देंगे, और ये जो केबल है इसका, ये जो केबल है यहाँ लग जाएगा, यहाँ इसमें देख सकते हैं यहाँ लगाने जगह दिया है, तो हम इसमें यहाँ लगा देंगे। तो थोड़ा नया है तो प्रॉब्लम है लगने में, और इसका ये है क्लिप, तो ये जाएगा आपका बैटरी में, दोनों लगेगा, ये है प्लस रेड वाले, ब्लैक वाले माइनस। तो जैसे हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो इसका एक यहाँ है पावर बटन, तो जैसे हम इसको चालू करेंगे तो हवा भरना स्टार्ट हो जाएगा, और मीटर में बता, मीटर में यहाँ मीटर भी लगा है, तो इसमें बताएगा आपके कितना पॉइंट हवा भरा है। तो आपका, आप इससे कार, बाइक, साइकिल, बैलून, फुटबॉल सभी चीज में हवा भर सकते हैं, पर कार को मिनी कार में, बड़ा वाला कार स्कॉर्पियो वगैरह में नहीं भराएगा, जो मिनी कार होता है उसमें कार में भरा जाए। तो कार, बाइक, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी सभी में आप इससे इजिली हवा भर 12 वोल्ट डीसी करंट की जरूरत पड़ता है, तो हम इसको बैटरी में जोड़ देंगे। अब इधर आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेगा हवा भरने, 5 मिनट भी नहीं, अगर कार वगैरह में भरते हैं तो 5 से 8 मिनट में लगता है, और बाइक में भरते हैं तो 3 से 4 मिनट। तो आप कहीं जाते हैं, आपके गाड़ी का हवा निकल गया, पंचर हो गया, तो आप उससे इजिली हवा भर सकते हैं, कहीं भी चाहिए। यदि आपका नहीं, किसी और का कहीं पेंचर हो जाता, हवा मतलब कम हो जाता है, तो आप एक दूसरे का भी हेल्प कर सकते हैं, आपका भी नाम होगा, उसका भी भला हो जाएगा, दूसरे का भी हेल्प कर सकते हैं। अब ये केबल है, ये कार के लिए है, यदि आपके पास कार है, हम इसको यहाँ निकालना भाई, इसको हम निकाल देना है, कार के लिए ये वाला फिट करना है। जैसे हम इसको लगा देंगे, ये चले जाएगा कार का वार्बल, कार में लगने के जगह दिया रहता है, ये बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। ये कार के लिए केबल है, ये बड़ा केबल है इसके, ये बाइक के लिए है, दोनों इसके लिए केबल दिया गया है। ये तो लगभग काम नहीं आएगा, फुटबॉल बैलून के लिए है, बहुत ही कम काम आने वाला है। तो हम लोग बैलून तो फुलाना नहीं है अपने को, ना फुटबॉल खेलता हूँ ना फुटबॉल के लिए, जैसे कोई याद है तो भर दूंगा। तो ये विनटेक का है, आप देख सकते हैं इधर कंप्रेसर लगा हुआ है, यहाँ है 300 PSI 12 वोल्ट एयर कंप्रेसर, ठीक है। यदि आप भी इसको परचेस करना है तो परचेस कर सकते हैं, इसका डब्बे के ऊपर दिखा दे रहा हूँ, इम्पैक्ट तो गाइस आप भी इसे एनालॉग। परचेस करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर परचेस कर सकते हैं। अगर ऐसे शॉप में जाते हैं तो आपको
1600 से 1700 रुपये इसका प्राइस पड़ेगा। अगर हमारे लिंक से परचेस करते हैं तो आपको सिर्फ 1175 रुपये इसका प्राइस है अभी तो फिलहाल। आप वहाँ, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।